नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। हमारे देश में विपक्ष ईडी सीबीआई जैसी प्रतिष्ठित जांच एजेंसियों को बीजेपी का पॉलिटिकल टूल बताता है, पर सच्चाई तो यह है कि इन जांच एजेंसियों पर इस तरह के आरोप बीजेपी की सरकार बनने से पहले भी दशकों से लगते ही रहे हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप की इस सियासत के बीच आज सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दिल्ली स्थित आवास और दफ्तर पर छापेमारी की। इसके अलावा केंद्रीय एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में भी 30 ठिकानों पर रेड मारी है। असल में इस छापेमारी के जो तार हैं वो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर प्रस्तावित कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए साल 2019 में 2200 करोड़ रुपए के सिविल वर्क का कॉन्ट्रैक्ट देने में भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट किश्तवाड़ तहसील में चिनाब नदी पर विकसित की जा रही एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है और इस परियोजना का विकास चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स की तरफ से विकसित किया जा रहा है। ये नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बीच एक एग्रीमेंट के तहत शुरू की गई थी। सत्यपाल मलिक, जो 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे, उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें प्रोजेक्ट से संबंधित दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई थी। वैसे यह पहली बार नहीं है कि कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के मामले में सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा हो, बल्कि इससे पहले पिछले साल मई में भी इसी मामले में सीबीआई ने 12 जगहों पर छापेमारी की थी, जिनमें से एक सत्यपाल मलिक के पूर्व सहयोगी का ठिकाना भी शामिल था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सत्यपाल मलिक के मीडिया सलाहकार रहे सोनक बाली के घर पर छापा मारा था, जिसमें ये आरोप हैं कि कीरू परियोजना से संबंधित सिविल कार्यों के आवंटन में ई टेंडरिंग के संबंध में दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। ये भी आरोप लगाया गया था कि CVPPPL की 47वीं बैठक में ये फैसला लिया कि रिवर्स नीलामी के साथ ई टेंडरिंग के जरिए फिर से कॉन्ट्रैक्ट आवंटित किया जाएगा, लेकिन चल रही टेंडरिंग प्रक्रिया को रद्द करने के बाद फिर इसे लागू नहीं किया गया। सीबीआई की इस कार्रवाई पर सत्यपाल मलिक ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं, जिसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, मैं किसानों के साथ हूं। इसके बाद अपने एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन लोगों की शिकायत की थी उनकी जांच न करके मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई है, लेकिन मेरे पास 4-5 कुर्ते पाजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो इस मामले में सत्यपाल मलिक पर पड़ी सीबीआई की रेड को आप कितना सही मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।